कमजोर बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर, इसके तहत शोध करेगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम। आपने आज तक ब्लड डोनेट तो सुना होगा, लेकिन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में जल्द ही माँ अपना दूध भी डोनेट कर पाएंगी, इसके लिए अनुमति मिल चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने कंगारू मदर केयर के तहत यहाँ शोध भी करना शुरू कर दिया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समय से पहले जन्म लेने के कारण या फिर कमजोर होने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। देश में प्रतिशत काफी बड़ा है। इस प्रतिशत को कम करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब यानी CEL के संयुक्त तत्वावधान में एक शोध शुरू किया गया है। इस शोध के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज को चुना गया। मेडिकल साइंस ने शोध के बाद पाया कि एक नवजात के लिए सबसे बड़ी डॉक्टर उसकी माँ होती है। ऐसे में जैसे कंगारू अपने बच्चे को चिपका कर रखती है, वैसे ही अगर माँ रखे तो बच्चा जल्द ही ठीक हो जाता है। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी KMC की, कंगारू मदर केयर क्या चीज है, किस तरह की रिसर्च होने वाली है, बहुत शॉर्ट। ओके, कंगारू मदर केयर बेसिकली एक पद्धति है जिसमें बच्चा जो है वो खुले सीने, उसका खुला सीना, माँ का खुला सीना और बच्चे का खुला सीना चिपक के हम रखना होता है, और साथ ही साथ उसकी फीडिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, उसके हाइजीन पे भी ध्यान दिया जाता है, और इस प्रकार से उनको रख के हम मोर्टैलिटी गिरा सकते हैं। लो बर्थ वेट और प्रीटर्म में हमारी मोर्टैलिटी जो है वो बहुत हाई होती है, और हम इससे जो है इन बच्चों में 40% से भी ज़्यादा मोर्टैलिटी गिरा सकते हैं। ये रिसर्च कब तक चलने की उम्मीद है? ये अगले 4 साल तक ये चलेगी रिसर्च, लेकिन हम जो मॉडल डेवलप करेंगे वो तो हो सकता है अगले ओवर 1 ईयर डेवलप हो जाए। तो एक बार एक मॉडल तैयार हो जाएगा तो हम उसको और भी जगह स्केल कर सकते हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज जल्द ही एक नया इतिहास भी रचने जा रहा है। यहाँ पर लैक्टोसेंट मैनेजमेंट यूनिट यानी LMU के लिए सरकार से अनुमति मिल गई है। इसके तहत अब माँ अपना दूध डोनेट कर सकेंगी। असल में बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जिनके दूध जरूरत से ज्यादा होता है, ऐसा दूध आमतौर पर बेकार हो जाता है। ऐसे में माँ अपना दूध डोनेट कर पाएंगी और उन बच्चों को माँ का दूध भी मिल सकेगा। माँ के दूध का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे कोई भी डब्बे का दूध आप ले लीजिए, वो सब पे लिखते हैं कि ये क्लोजेस्ट टू मदर मिल्क, बट कोई ये नहीं लिख सकता कि माँ के दूध जैसा है। और एक माँ का बच्चा अगर 6 महीने में पैदा हो, 7 महीने में पैदा हो, 8 महीने में पैदा हो, 9 महीने में पैदा हो, उसी माँ का दूध अपने उसी बच्चे के लिए अलग अलग समय में बदल जाता है, तो उस बच्चे को कोई डब्बे का दूध या कोई जानवर का दूध कैसे दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट डाला था जो कि हमें लखनऊ से सैंक्शन हो गया है, हम लोग उसको बना रहे हैं, जिसका नाम होगा LMU लैक्टेशनल मैनेजमेंट यूनिट। यहाँ पे माँ जो है अपना दूध डोनेट कर सकती है, तो माँ का दूध ही हम बच्चे को देंगे, किसी डब्बे या किसी जानवर का दूध नहीं देंगे। कानपुर में होने वाले इस शोध में पता किया जाएगा कि नवजात बच्चे को कब, कितना और क्या फीड कराया जाए, साथ ही जो बाधाएं आज के समय में है उनको कैसे दूर कराया जाए। इस शोध के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज में पूरा इंतजाम भी किया गया है।